गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आज हम चैप्टर 2 क्लास 6 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और पूरी कोशिश की थी कि आपकी एक अच्छी रिविजन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट समझ भी आ जाए। आज फिर मेरी यही कोशिश रहेगी कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएँ। ये वीडियो अगर आप क्लास 6 में हैं तो भी हेल्पफुल है, और अगर आप कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। रिवीजन भी हो जाएगी और एमसीक्यूज भी समझ आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके बाद आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बार ऐसा होगा कि मैं जिक्र करूँगी बार बार कि पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि आप बाद में एक बार देख लेना। अगर आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें सुनने को और समझने को मिलती रहती हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है या आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की डिस्कशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आप नीचे से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड किया है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए ताकि आप काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें ही वहाँ पे डिस्कस होती हैं, कोई बात बात फालतू की बातें नहीं होती हैं उस पर। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर? तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार पिछला थोड़ा सा बेसिक से शुरू कर देती हूँ कि ये हमारी अर्थ है, ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो कि चैप्टर का नाम है द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो मैंने बार बार डिस्कस किया था और ये आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। तो ऑब्वियसली नॉर्थ और साउथ में लैटिट्यूड डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ और साउथ में लैटिट्यूड डिवाइड करता है, हाँ मैंने ठीक बोला था, और ईस्ट और वेस्ट में लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है, तो वो क्या डिवाइड कर रहा है? नॉर्थ पोल, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर या साउथ पोल, क्या डिवाइड करता है? तो ये आंसर है, इक्वेटर तो लैटिट्यूड को डिवाइड करता है, आपका आंसर है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 कह रहा है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ यूनिवर्स, अर्थ, सोलर सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो एक ग्लोब ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, ये बहुत ईजी ही क्वेश्चन था। ग्लोब डजंट शो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ट्रीज, ओशंस। तो ग्लोब पे आपको कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं, कॉन्टिनेंट्स भी देखने को मिलते हैं, ओशंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्रीज देखने को नहीं मिलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन रशिया। तो अर्थ पे अलग अलग टाइम जोन्स हैं, जिनमें हमने पिछली बार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात की थी कि कैसे गुजरात और असम में टाइम का डिफरेंस है पर फिर भी हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, लेकिन रशिया में अलग अलग टाइम जोन्स हैं एक कंट्री होते हुए भी। तो कितने टाइम जोन्स हैं? 5, 2, 1, 11। तो रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। इक्वेटर लाइज एट दी डैश डिग्री लैटिट्यूड। ये हमारी अर्थ है, जिसमें मैंने भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन में प्राइम मेरिडियन बताया था कि ये 0 डिग्री पे है, तो ठीक उसी तरीके से इक्वेटर भी 0 डिग्री पे है, और ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है और ये ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। तो इसका आंसर है लाइज एट द डिग्री 0 डिग्री लैटिट्यूड, और प्राइम मेरिडियन होता तो वो लॉन्गिट्यूड हो जाता अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करते तो। द नॉर्दर्न मोस्ट एंड ऑफ द एक्सिस इज द, बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट एक्सिस की बात कर रहा है वो। ये अर्थ है, ये नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट एक्सिस की बात कर रहा है। वो क्या है? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो साउथ पोल तो वो सदर्न मोस्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन।
अगर ये आपका इक्वेटर है तो इसके 23 डिग्री 30 नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और 23 डिग्री 30 साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। पर नॉर्दर्न मोस्ट एंड पूछा है, ये होगा आपका नॉर्थ पोल, और अगर सदर्न मोस्ट पूछता तो साउथ पोल हो जाता आपका आंसर। इसका आंसर होगा नॉर्थ पोल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, आर्कटिक सर्कल इज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आपको ये पता है कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, और आपको अर्थ में आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक पता है, तो आपको ये आंसर सॉल्व करने में बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बताइए आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो आर्कटिक सर्कल यहाँ है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और अगर आर्कटिक की जगह एंटार्कटिक पूछ लिया होता तो आपका जवाब सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता, क्योंकि वो यहाँ लाई करता है। ठीक है। डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है। स्फीयर विद अ बल्ज एट द पोल्स, पोल्स पे हल्का सा बल्ज एंड फ्लैट एट द सेंटर। अ स्फीयर विद फ्लैटन्स एट द पोल एंड बल्ज एट द सेंटर। इसमें वो कह रहा था हल्का सा बल्ज है और फ्लैट है सेंटर से, ये उल्टा कह रहा है। अ स्फीयर विद द बल्ज एट द पोल्स एंड एट द सेंटर, अ परफेक्ट स्फीयर। बताइए अर्थ की शेप कैसी है। तो अर्थ की शेप हल्की सी फ्लैट है पोल्स पे और बल्ज यानी कि हल्का सा एक सर्कल सा है सेंटर की तरफ। तो ये बात बी बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है कि विच इज फ्लैटन एट द पोल्स एंड अ बल्ज एट द सेंटर, बी। क्वेश्चन 9, व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, थिक एंड थिन लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ, एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ, अ रियल लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ, अ लॉन्ग एंड द शॉर्ट लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ। तो बताइए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो मैं चैप्टर के शुरू से ही बता रही हूँ कि ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, पर ये हैं क्या लाइंस। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इट डिवाइड्स द अर्थ, लेकिन ये थिक और थिन लाइंस है ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। ये रियल लाइन नहीं है, ये खुद एस्टिमेट करके ज्योग्राफी में बनाई गई है ज्योग्राफर्स ने और जिस रिसर्च करके कि ठीक है ये 0 डिग्री है अर्थ को डिवाइड कर रही है तो इसको हम लॉन्गिट्यूड कह देते हैं, और ये 0 डिग्री है अर्थ को डिवाइड कर रही है तो हम इसको इक्वेटर कह देते हैं। बट ये इमेजिनरी लाइन है, हकीकत में आपको ये लाइन कहीं अर्थ पर दिखेगी नहीं कि आप इक्वेटर पर चले जाओ तो वहाँ एक लाइन बनी है रेड कलर की या किसी स्पेसिफिक कलर की कि यहाँ इक्वेटर है या यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है। नहीं, लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन का भी कोई मतलब नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है और जो अर्थ को डिवाइड कर रही है, चाहे वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो या वो नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो, और ये इमेजिनरी है, ये बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में। क्वेश्चन 10 कह रहा है, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनवुड, ग्रीन फील्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीनविच। तो प्राइम मेरिडियन किस से पास होता है, तो ग्रीनविच लंदन, वहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होता है। ये याद करने वाला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट आर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, अभी हम लॉन्गिट्यूड की ही बात कर रहे थे, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो वो यही पूछ रहा है कि ये क्या है। अ लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अ लाइन्स रनिंग फ्रॉम साउथ पोल टू ईस्ट पोल, लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू वेस्ट पोल या ईस्ट पोल से साउथ पोल। ये फैक्ट बेस नहीं है, ये थोड़ा समझ के बेस पे है। ये अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं।
सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट पोल टू साउथ पोल, ये ईस्ट है, यहाँ से लाइन साउथ पे आ रही है, नहीं ये तो गलत हो गया। लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू वेस्ट पोल, नहीं ऐसी लाइंस तो नहीं है। लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू ईस्ट पोल, नहीं। लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यस यही आंसर है, नॉर्थ से साउथ पोल्स पे लाइंस आती हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका ए, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आईएसटी स्टैंड्स फॉर, बताइए, इंटरनल स्पेसिफिक टाइम, इंटरनल स्टैंडर्ड टेम्परेट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्पेसिफिक टाइम, ये बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये है क्या चीज। वैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस वीडियो में ये बात। तो आईएसटी स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे असम है और यहाँ पे गुजरात है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये मैं आपको इंडिया की बात बता रही हूँ। अगर आप असम से गुजरात आओ तो वैसे आपको 1 hour 45 minutes का टाइम डिफरेंस है इन दोनों जगहों में, एज जो एंड की मैं बात करूँ बिल्कुल, पर इससे बहुत सी कन्फ्यूजन्स हो जाती तो हमने एक टाइम ले लिया बीच में, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अब अगर गुजरात में फॉर एग्जांपल सुबह के 7 o'clock हो रहे हैं तो असम में भी उनकी क्लॉक 7 AM ही शो करेगी, ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर ऑफ इक्वल लेंथ, कैप्रिकॉर्न इज शॉर्टर दैन द कैंसर, कैप्रिकॉर्न इज बिगर दैन द कैंसर, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये इक्वेटर है, यहाँ पे है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 23.5 degrees नॉर्थ और ये है 23.5 degrees साउथ, ये 0 degrees है इक्वेटर। तो बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ये कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छोटी है और वो बड़ी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ यहाँ से जब सर्कल बन रहा है वो इक्वल है यहाँ और यहाँ, तभी हम कहते हैं कि इक्वेटर अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, इसलिए इसका आंसर है इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ बिल्कुल इक्वल है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इक्वेटर ये क्या है, इमेजिनरी रेक्टेंगुलर लाइन, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन या इमेजिनरी ट्रायंगुलर लाइन, बताइए इमेजिनरी कौन सी लाइन है इक्वेटर। कह रहा है कि डिब्रूगढ़ इज लोकेटेड इन असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो हमने अर्थ में देखा था कि यहाँ पे द्वारिका है, द्वारका में गुजरात की बात कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली में भी एक द्वारका है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, और यहाँ पे असम है। तब मैंने आपको ये डिब्रूगढ़ की जगह का नाम डिस्क्राइब किया था, इसका आंसर है असम, शायद मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन 16 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस अक्रॉस द ग्लोब इज, तो ये अर्थ है और ये लॉन्गिट्यूड्स यानी कि मेरिडियंस हैं, ये कितने हैं टोटल नंबर में, 180, 360, 90, 181। तो ये 0 degrees है प्राइम मेरिडियन, इसके इधर है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसके इधर है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, यहाँ 180 और यहाँ 180, तो टोटल 360 इन नंबर। क्वेश्चन 17 कह रहा है व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये आई गेस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि डिवाइड करती हैं अर्थ को, ठीक है। क्वेश्चन 18 कह रहा है फ्रिजिड लो जोन लाइज इन, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
इनकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ जोन में है, यहाँ पे साउथ पोल, ये है 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ आता है एंटार्कटिक सर्कल और यहाँ आता है आर्कटिक सर्कल। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ आता है टॉरिड जोन, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे यहाँ पे आता है टेम्परेट जोन, और इनके ऊपर ये आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल, यहाँ ये फ्रिजिड जोन है। तो थ्री जोन्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड को आप फ्रीज से याद रख सकते हो कि यहाँ बहुत ठंड है, तो ये पोल्स के एरिया में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका आंसर द पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका आंसर है द पोल्स। ये देखिए ये जोन्स हैं, तीन जोन है बेसिकली, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के ये वाले एरिया में जो है ये टॉरिड जोन है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में ये वाला एरिया आप देखो, ये कौन सा एरिया पड़ रहा है? ये कौन सा एरिया पड़ रहा है? ये पड़ रहा है टेम्परेट जोन, और लाइकवाइज कैप्रिकॉन और एंटार्कटिक के बीच में यहाँ पे टेम्परेट जोन। फिर ये देखो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके यहाँ पोल्स वाले इस एरिया में, आर्कटिक के नीचे और एंटार्कटिक के ऊपर, ये फ्रिजिड जोन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एंटार्कटिक के नीचे और आर्कटिक के ऊपर, तो भी आपका आंसर फ्रिजिड जोन ही होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है डैश लाइंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। लाइंस रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, क्या कहते हैं इसको? डैश लाइंस रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ टू एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। प्राइमरी लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड या लैटिट्यूड। तो जो लाइंस ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, और अगर ये कहता है लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो वो आपका फिर आंसर लॉन्गिट्यूड हो जाता, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। क्वेश्चन 20 कह रहा है डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन द सन इज अबव पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो इक्वल डेज एंड नाइट्स तब है जब वो इक्वेटर के ऊपर है सन, इसको इक्विनॉक्स भी कहते हैं, बट अभी आप यही याद रखोगे इक्वेटर के ऊपर जब सन है। अर्थ रोटेट्स अलोंग डैश डायरेक्शन, अर्थ रोटेट करती है हमें ये पता है, लेकिन अर्थ कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ या साउथ टू नॉर्थ, बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन और बहुत गलत भी होता है कितनी बार। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट में ही मूव करती होगी क्योंकि सन ईस्ट से राइज करता है, पता नहीं ये कौन सा लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे अर्थ मूव नहीं करती, ना साउथ से नॉर्थ, नहीं। आंसर है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 22, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 ईस्ट, IST कहते हैं जिसको, क्या ये डिग्री सही है, ट्रू या फॉल्स? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का।
तो ये बिल्कुल सही बात है, 82°30' जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। हमने देखा था गुजरात और आसाम में टाइम अलग था, बट हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया। वो कौन सी डिग्री से है? 82°30'। ये बिल्कुल सही है। तो आज मैंने आपसे 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए, 22 में से आपके कितने सही हुए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके क्वेश्चंस कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं रिवाइज हुआ चैप्टर 2 का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपको कुछ कंटेंट सीखने को ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट बनाने का। आज की डिस्कशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल पे नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ध्यान रखिए अपना और रेगुलरली कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।